हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज हम लोग अपने यूजुअल रूटीन से हटते हुए दुनिया में फैली हुई एक महामारी COVID-19 कोरोना वायरस डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ज़रूरी जानकारियाँ उसके बारे में हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इस बीमारी का नाम है कोरोना वायरस, जिसको हम लोग COVID-19 भी कहते हैं। ये बीमारी वायरस से फैलती है और जो वायरस फैलाता है उसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि SARS-CoV-2। वैसे तो इसकी शुरुआत हुई थी चाइना के वुहान शहर से। जी हाँ, चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी लगभग पूरी दुनिया इसके चपेट में है। ना तो इससे दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका बच पाया और ना ही आपका अपना प्यारा देश इंडिया बच पाया है। ये महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है कि पिछले कुछ हफ्तों में ही ये 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल चुकी है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और लगभग 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इंडिया में ही हमारे लगभग सभी स्टेट्स में ये फैल चुकी है और 300 से ज़्यादा केसेज अब तक पाए जा चुके हैं। तो वक्त आ चुका है कि आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ज़रूरी प्रिवेंशंस के बारे में जान लें, कुछ ज़रूरी बचाव को समझ लें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको मास्क का यूज करना है। कहीं भी आप जा रहे हो, किसी भी तरीके का मास्क आपके पास हो, आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मास्क ना ही आपको सिर्फ पॉल्यूशन से बचाता है, बल्कि एटमोसफेयर में अगर कोरोना वायरस के कुछ वायरसेज हैं भी तो उनसे भी आपको बचा कर रखता है। दरअसल एरोसॉल में कोरोना वायरस जो है वो 30 मिनट तक ही ज़िंदा रह पाता है, और हम बात करें मेटल्स की या फिर स्टील की या फिर हम कहें प्लास्टिक से बने हुए सामानों की, तो इसमें 24 घंटे से 3 दिन तक सर्वाइव कर पाता है। हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पे बिताना चाहिए, बिना ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल भी रहे हैं तो कम से कम जिनसे आप मिल रहे हैं उनसे 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। अगर ज़रूरी ना हो तो किसी भी चीज़ को छूने से बचे, कांटेक्ट में ना आए, इस बात का खासा ध्यान रखें। साथ ही अपने फेस को, अपनी आँखों को, नाक को, मुंह को छूने से बचें। अपने हाथ को हर आधे घंटे के बाद सैनिटाइजर से, जिसको कि आप मार्केट में आसानी से ले सकते हो, या फिर किसी भी साबुन से लगभग 30 सेकेंड तक अच्छे से धोएं, ताकि आपका हाथ साफ रहे। खाने की आदतों को भी सुधारें, हेल्दी फूड्स लें, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें जिनसे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स, खास करके विटामिन सी, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस बीमारी से लड़ने में और इससे बचे रहने में। इसको खाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, गवर्नमेंट की बात सुने, डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। और बात करें हम सिम्टम्स की बात करें, साइन की बात करें, तो सबसे पहला सिम्टम जो दिखता है वो ये दिखता है कि आपको फीवर लगती है। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपको फीवर होगा, तेज बुखार होगा, खांसी होगी। जी हाँ, आपको खांसी होगी, तेज बुखार होगा, आपके शरीर में दर्द होगा, आपके जोड़ों में अकड़न होगी, आप बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है फील करोगे, आपको थकान लगेगा, साथ ही आपको सांस लेने में परेशानी होगी, जिसको कि हम लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं। हालांकि इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको इसका खासा ख्याल रखना होगा और बचे रहना होगा इस कोरोना वायरस डिजीज से। किसी भी तरीके की मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर किसी में भी कोरोना वायरस के सिम्टम दिख रहे हैं तो उसे सबसे पहले लोगों से दूर करें, तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, और हॉस्पिटल ले जाते वक्त मास्क जरूर पहनाएं, साथ ही दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखें, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर से मिलें और जल्द से जल्द इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें। तो मेरा आप सभी से अपील है कि सुरक्षित रहें, इस महामारी से खुद को बचाएं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। कृपया अपना और अपनों का ख्याल रखें।